सोनीपत पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। बार बार एक ही सवाल, कब सुधरेंगे लोग? क्या जरूरत है इस सवाल के बार बार पूछने की? क्या बिन कारणों से सड़कों पर घूमने वाले इन लोगों को कोरोना महामारी से डर नहीं लगता, लेकिन ये बेखौफ हो सड़कों पर घूम रहे हैं? सरकार, प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं, मीडिया आदि की लाख कोशिशों के बाद भी कई लोग बिना वजह घरों से निकल रहे हैं। ऐसे ही लापरवाह लोगों की कुछ तस्वीरें सोनीपत में देखने को मिली, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सैर सपाटा करने आए लोगों पर कार्रवाई करते हुए अपना अभियान चलाया और इन्हें सबक सिखाने के लिए उठक बैठक करवाई। साथ ही कुछ लोगों को पुलिस की ओर से हिरासत में भी लिया गया। इसमें लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन की पालना को सुनिश्चित करने के लिए आज सुबह सोनीपत पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव चलाई थी, जिसमें सैर सपाटा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लोगों को समझाया भी गया है, जो बुजुर्ग मिले हैं, बच्चे मिले हैं, उन्हें समझाया गया है कि वो अननेसेसरी अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि इस महामारी को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हम अपने घरों में टिके रहें तो। सोनीपत पुलिस अभी तक 5,590 वाहनों के चालान कर चुकी है और लगभग इन वाहनों पर 1,77,00,000 रुपए का जुर्माना भी हो चुका है। 600 के लगभग FIR भी धारा 144 के उल्लंघन में दर्ज की गई है। पहले दिन से लेकर आज तक लॉकडाउन की वायलेशन करने वालों के खिलाफ सोनीपत पुलिस अब तक 5,590 चालान कर चुकी है। 538 व्हीकल्स को इम्पाउंड किया जा चुका है। 335 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें 409 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा हम लगभग 1,70,00,000 का फाइन इम्पोज कर चुके हैं। पुलिस और प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे लोग अपने और अपने परिवार की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं।